महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी करिश्माई कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को रिकॉर्ड 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा दिया। 16वें सीजन में मंगलवार रात क्वालिफायर वन में गुजरात टाइटंस को हार का मुंह देखना पड़ा। जीत के लिए ज़रूरी 173 रन के जवाब में डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात 157 रन पर सिमट गई। राशिद खान ने 16 गेंद में 30 रन बनाकर एक बार फिर अकेले लड़ते हुए कमाल कर दिया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। वैसे गुजरात के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले एलिमिनेटर के विजेता से 26 मई को गुजरात की टक्कर होगी। जीतने वाली टीम फाइनल में सीएसके से भिड़ेगी। 2008 में खेले गए टूर्नामेंट के ओपनिंग सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल में हराया था। इसके बाद से टीम ने 2010, 2011, 2012, 2013, 15, 18, 19 और 21 में फाइनल तक जगह बनाई। 9 में से 4 फाइनल जीते तो 5 बार टीम रनर अप रही। 20वें ओवर में गुजरात को जीतने के लिए 27 रन चाहिए थे। चेन्नई की जीत यहां से तय हो चुकी थी, क्योंकि खतरनाक लग रहे राशिद खान 19वें ओवर में तुषार देशपांडे का शिकार हो गए। गुजरात के लिए इनफॉर्म शुभमन गिल ने 38 गेंद में सर्वाधिक 42 रन बनाए। चेन्नई के लिए दीपक चाहर, महेश तीक्षणा और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। 14वें ओवर में धोनी का दीपक चहर को बॉलिंग पर लगाना और स्लो कटर में शुभमन गिल का शिकार करना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। उस वक्त तक मैच खुला हुआ था। गुजरात टाइटंस 13 ओवर में 88 रन बना चुकी थी, 42 गेंद में 85 रन की दरकार थी। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के बूते 7 विकेट पर 172 रन बनाए। गायकवाड़ ने 44 गेंद में 60 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का देखने को मिला। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच 64 गेंद में 87 रन की साझेदारी देखने को मिली। मिडिल ओवर्स में अजिंक्य रहाणे, अंबाती राइडू ने निराश किया। जहां रहाणे ने 10 गेंद में 17 रन बनाए, वहीं राइडू ने 9 गेंद में 17 रन बनाए। अंत में रविंद्र जडेजा ने 16 गेंद में 22 रन बनाकर फिनिश किया। महेंद्र सिंह धोनी से छक्के की उम्मीद लगाए प्रशंसकों को निराशा मिली। वह 1 रन बनाकर मोहित का दूसरा शिकार बने। गुजरात टाइटन्स के लिए मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि दर्शन नालकंडे, राशिद खान और नूर अहमद को 1-1 विकेट मिला। स्पोर्ट्स और आईपीएल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीटी स्पोर्ट्स।